प्री हिस्टोरिक टूल्स की जब हम बात करते हैं तो जो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स है जो टॉप मोस्ट में हमें दिख रहे हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जो कि हैंड एक्सेस है, क्लीवर्स और चॉपर्स है। जनरली हैंड एक्स को इस तरह से एक बेस, एक वुडन स्टेम पर बांधा जाता था और जिससे उसे हंट में यूज़ किया जाता था किसी भी प्रकार के टूल के लिए। जब हम मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स पर आ जाते हैं इनमें फ्लेकिंग देखने के लिए मिलता है, इसमें साइज थोड़ा छोटा है लेकिन फ्लेक्स देखने के लिए मिलते हैं। और अपर पैलियोलिथिक की जब हम बात करते हैं इसमें देखिए ब्लेड्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ब्लेड्स है, पैरेलल ब्लेड्स है, ब्यूरेंस है, स्क्रैपर्स है। मीज़ोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करते हैं ये बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे ब्लेड्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, ट्रपीज है, ल्यूनेट्स है। इन्हें एक बो, एक लकड़ी के ऊपर बांधा जाता था और एक एरो से इसे शूट किया जाता था या फिर इसका यूज़ किया जाता था। उसके कंपैरिजन में जब हम नियोलिथिक टूल्स की बात करते हैं, देखिए ये बहुत ही पॉलिश्ड हैं टूल्स और ये ग्राइंडिंग और थ्रेशिंग के लिए यूज़ होते थे। तो एक तरह से हम देखें तो इन सभी टूल्स में एक बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए मिलता है और इसमें चॉपर चिपिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है।